आज की समय निकाय के माध्यम से आयोजित मानव काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया बहुजन दिशा दोष। इस गोष्ठी में हमको भी पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहने को तो बहुत कुछ है, हम सभी के बीच में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हमारे समाज के तरह कुछ लोग शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए सभी ने अपने परिवार अपने साझेदार रिश्तेदार यानी बहुत सारे चीजों को त्याग दिया, इस समाज को समाज से जीने के लिए उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए जितने भी महापुरुष हैं सबने अथक प्रयास किया, तब जाकर के हमको ये अस्थिर खेलती जिंदगी मिली है। सभी महापुरुषों के विचारों को सब सब नमन करते हुए मैं आप लोगों के बीच में कुछ लाइनों के माध्यम से अपने विचार को रखने का प्रयास करूंगा। आज समाज में देखा जा रहा है कि हमारे बीच में अगर छोटी सी परेशानी अगर आती तो हम उस परेशानी को देखते हुए अपने महापुरुषों के जयंती उनके परिनिर्वाण दिवस या अन्य किसी विचारों की जब गोष्ठी होती है कि यानी यहाँ पर हमको महापुरुषों के विचारों को जानने का उनके कथनी और करनी को समझने का मौका मिलता है तो हम अपने छोटे से परेशानियों को दिमाग में रख करके ऐसे सुनहरे अवसर को गंवा देते हैं। खास तौर पे समाज के वो लोग जिनको इन महापुरुषों के बदौलत आज अच्छे पोजीशन पे पहुंचने का मौका मिला है, खाने पीने रहने का अच्छा संसाधन उपलब्ध हुआ है, वो ज्यादातर भूल जाते हैं। गरीब तबके के लोग तो अक्सर इस कार्यक्रम में भाग ले पहुंच जाते हैं, उनका परिवार किस हालात में है ये चीज भूल करके छोड़ करके इन महामानवों के विचारों को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं जिनको हर सुविधा उपलब्ध है, और वो भी बाबा साहब मान्यवर कांशीराम तथागत बुद्ध जी के बदौलत मिला है, लेकिन वो अपने आप को अपने परिवार के बीच में रखने के तौर पर इसे मिशन को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। आज एक गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में वो बात बताऊंगा किस प्रकार से वो लोग अपने आप को प्रकाशित कर जाते हैं, इस विचारों के मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहना है बाबा साहब के संघर्षों को लेकर के एक छोटी सी रचना हमने तैयार की। कहना है कि वो भीम जी Yeah.
इसलिए बदौलत नौकरी मिल गई, घर परिवार सुखी संपन्न है, सब कुछ उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। वही लोग महापुरुषों को भूल रहे हैं, उनको समय नहीं है। समाज में दो शब्द बोलेंगे उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। आगे कहना है यादें जो पूछे हैं सब है तुम्हीं से, कुछ भी मिला ना मुझे और कहीं से। यादें जो पूछे हैं सब है तुम्हीं से, कुछ भी मिला ना मुझे और कहीं से। मिला के अधिकार सुनता समान का व्यापार, जैसे छीन सके होगा कोई ना, गला ढोकर ना तुम्हें सबूतन मिले, गला ढोकर ना हमको शिक्षा समानता यहाँ तक की क्या बात, इसे सबको सरकारी में जोड़ा गया है, इसलिए क्योंकि एक समय था कि हमको धन की मजबूरी नहीं मिल पाती थी, हम मजबूरी करते थे तो उसको बेईमानी बोला जाता था, यानी कि हमको अगर रोटी का टुकड़ा दिया जाता था तो वही बहुत था हमारी मेहनत के पास से। लेकिन आज हमको बिजनेस व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो भी इन महापुरुषों के संघर्षों का बदौलत है, इन महापुरुषों के हर अधिकार का बदौलत है जो आज हम ले पाए हैं। अगली कड़ी में कहना है कि मुश्किल में भी जीवन बिताई, चार चार बच्चों की जीवन गवाई, मुश्किल में भी मेरे जीवन बिताई, चार चार बच्चों की जीवन गवाई। Thank you.
एक होकर के रहें, इसी के साथ साधन जय भीम नमो नारायण।